हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं? सो गाइस, आज हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं मैचिस्टिक गेम. सो इट्स वेरी अमेजिंग, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम. गेम ये है कि हमारे पास 21 मैचिस्टिक्स होंगी और यूज़र उसे अटैम्प्ट करेगा. 1, 2, 3 और 4. यूज़र 1 भी अटैम्प्ट कर चूज कर सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी. सो गाइस, कंप्यूटर ऑलवेज विन. जब भी होगा तो कंप्यूटर ऑलवेज विन गेम करेगा, ऐसा ही है. सो प्रोग्राम आपके सामने एक यूज़र की है, अटेम्प्ट करना हम शुरू करते हैं. सो गाइस, हमारे पास पहले इंट एम, एम रिप्रेजेंट करेगा मैचिस्टिक को, ऐसा ही है. और यूज़र जो है, यूज़र और एक कंप्यूटर है हमारे पास. सो गाइस, टोटल मैचिस्टिक्स जो है मैंने आपको बताया कि वो 21 है. सो छोटी सी एक इंस्ट्रक्शंस पहले हम देंगे कंप्यूटर यूज़र को. जब यूज़र आ रहा है उसे पता तो नहीं है कि उसने स्टार्ट क्या करना है, ये क्या है, ये क्या नहीं है. तो पहले हम उसे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने क्या करना है. तो पहले तो पहली जो है स्टेटमेंट वो तो होगी डू नॉट एंटर इनवैलिड नंबर, ऐसा ही है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम. आई होप आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें. सो गाइस, जिस तरह मैंने आपको बताया डू नॉट एंटर इनवैलिड नंबर, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज़र का पता हो कि वो इनवैलिड नंबर एंटर नहीं करेगा. उसके बाद हमने उससे क्या चीज़ बताना है, नंबर अबव 4 इनवैलिड, मतलब वो चूज़ कर सकता है 1, 2, 3 और 4, 4 से ज़्यादा नहीं. तो हम इधर मैंशन कर देंगे नंबर अबव 4 जो है वो आर इनवैलिड है, ऐसे ही है गाइज. सो नेक्स्ट ऑफ ऑल उसे यूज़र को पता होना चाहिए कि जो उसके पास मैचिस्टिक्स हैं वो कितनी है, ऐसे ही है. तो जब एक ये तो बाद में बताएंगे हम, अभी पहले उसे बता देते हैं कि कंप्यूटर ऑलवेज विन होगा. ये हम चैलेंज कर रहे हैं उसे, कंप्यूटर ऑलवेज विन, के यूज़र कभी भी जीत नहीं सकता जितना मर्जी वो ट्राई कर ले. इट्स वेरी अमेजिंग, कंप्यूटर ऑलवेज विंस. सो गाइस, एक हम इसमें यूज़ करेंगे ये व्हाइल लूप. व्हाइल लूप, व्हाट इज़ व्हाइल लूप? सो जैसा कि हम बताते हैं आपको, पहले व्हाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कंडीशन और एंड में उसमें इंक्रीमेंट हो. ये व्हाइल लूप है, ये फॉर एग्जांपल किस लिए हम यूज़ करते हैं. व्हाइल लूप का पर्पस ये है कि जब भी मैनी टाइम हमने जो है व्हाइल्स को, मसलन हमें पता नहीं है फिक्स टाइम कितना है, मसलन हमने फेसबुक अकाउंट, अगर वो यूज़र जब तक एंटर रॉन्ग करेगा वहाँ तब तक वो रिपीट होता रहे, तो ऐसा हमें तो नहीं पता यूज़र कितनी बार रिपीट करेगा, तो उसके लिए कितनी बार रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट करेगा, तो हमें तो नहीं ना पता. इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं. व्हाइल लूप में हमें पता है कि एम, एम क्या, व्हाट इज एम? एम इज़ फॉर मैचिस्टिक, ऐसा ही है. तो एम फॉर मैचिस्टिक्स है, एम ग्रेटर दैन इक्वल टू, जब 1 हो जाए, मसलन हमारे पास टोटल मैचिस्टिक्स हैं वो 21 है, ऐसा ही है. जब m है हमारे पास, m 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक ये वाइल लूप चलता रहे. जब 1 रह जाए तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लूजर जो है एंड वाला है, जो 1 रिमेनिंग रह जाएगी वो लॉस हो गया. और ये हमने चैलेंज किया है कि यूज़र ऑलवेज लॉस एंड कंप्यूटर ऑलवेज विन. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम. पहले तो हम छोटा सा प्रिंट करा देते हैं कि यूज़र को पता हो कि उसके पास कितनी मैचिस्टिक्स हैं. तो इधर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स इधर हम पूरे लिख देते हैं. नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स अवेलेबल राइट नाउ, ऐसा ही है. जो उसके पास कितनी मैचिस्टिक्स रह गई हैं, तो इधर हम एम रिप्रेजेंट करेंगे और इधर एंडल, ऐसे ही गाइस. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स, अब उसके पास यूज़र का टर्न आएगा, ऐसा ही. तो इधर एक छोटा सा कमेंट करेंगे योर टर्न, ऐसा ही. सो गाइस, एक थोड़ा सा अमेजिंग तरीके से हम लिखना चाहेंगे. सो गाइस, जब उसने इंटर ले लिया, यूजर ले लिया, योर टर्न ले लिया, तो उसके बाद हम करेंगे एंटर द योर पिकअप, तक कितनी उसने वैल्यूज अटेंड करनी है, उसे हम कमेंट करेंगे एक छोटा सा कि यूज़र ले पिक, ऐसा ही है. पिक अप द मैचिस्टिक्स, पिकअप द मैचिस्टिक कितनी उसने करनी है, 1, 2, 4, ऐसा ही. तो पिकअप द जो मैचिस्टिक्स, हमने उसे कमेंट बता दिया कि आपने इतनी जो है वो पिक करनी है, ऐसा ही है.
तो इधर हम सी इनपुट लिख सकते हैं, यूज़र हमने ऊपर इंटीजर दिया कि कोई भी इंट वैल्यू होगी। अब एक छोटा सा इधर हम प्रोसेस और करेंगे, इफ़ जो सा यूज़र है, इफ़ यूज़र ग्रेटर दैन फोर, अगर फोर से उसने ऊपर कर दिया तो उसे इधर हम छोटा सा कमेंट कराना चाहेंगे कि इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। फॉर एग्जांपल हमने उसे बताया है कि जब यूज़र है तो वो प्रिंट करा दे यूज़र फाइव, तो उसे प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड नंबर और उसके बाद वो गेम ऑफ। हमने चाहिए कि वो वन करे, चूज़ करे, टू करे, थ्री करे और फोर करे, तो इसके बाद हमें पता कि कंप्यूटर का टर्न आएगा। ऐसे ही हमने इसे लॉजिक क्या बनाई कि ऑलवेज टाइम यूज़र लॉक्स द गेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंकिंग करेंगे, हमारे पास टोटल मैचिस्टिक्स जो हैं वो 21 है। सो 21 मैचिस्टिक्स हमारे पास हैं, गिवन जो हमारे पास 21 मैचिस्टिक्स हैं, और फर्स्ट वैल्यू जो चूज़ करेगा हमेशा यूज़र। हम अगर 21 को 5 पर डिवाइड करें, 5 4 4, ऐसा ही है, 5 21 5 4 का क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 आएगा, ऐसे ही है। सो गाइस 4 के हिसाब से देखें, जब यूज़र 3 करे हम कंप्यूटर 2 अटैम्प्ट कर ले, 2 2, जब यूज़र 3 अटैम्प्ट करे कंप्यूटर 2 एंड पे लास्ट बच गई और वो कौन सा, यूज़र लॉस द गेम। सो हमने कम्बिनेशन बनाना है 5 का, ऐसे ही है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम, अगर जो है कंप्यूटर का जो वैल्यू है हम वो स्टोर कराएंगे 5 माइनस यूज़र, अगर यूज़र लेता है 3 तो 5 - 3 यूज़र कंप्यूटर का अटैम्प्ट करेगा 2, ऐसे ही है। सो सी आउट प्रिंट कराएंगे हमारे पास कंप्यूटर टर्न, ऐसे ही गाइस। सो गाइस आउट कंप्यूटर टर्न हो गया, व्हाट इज कंप्यूटर टर्न, कंप्यूटर टर्न मतलब कंप्यूटर की वार। सो गाइस कंप्यूटर टर्न के बाद कंप्यूटर पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली, ऐसा ही है, कंप्यूटर टर्न कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पिक्स द मूव्स को कंप्यूटर। इधर हम छोटा सा कमेंट करेंगे कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया है, वो यूज़र को शो भी हो, यूज़र को क्या पता कंप्यूटर क्या चूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कंप्यूटर चूज द मैचिस्टिक्स, ऐसा ही है, वो इक्वल टू क्या है, एम हमने क्या लिया, मैचिस्टिक्स, और उसके बाद एंड वेल। सो गाइस जैसा कि आपने देखा हमने कंप्यूटर का भी वाड़ी दे दी, कंप्यूटर के टर्न्स भी बता दिए कि कंप्यूटर का जो हमने कम्बिनेशन बनाना वो 5 - यूज़र होगा। तो उसके बाद जो मैचिस्टिक्स है हमारे पास, एम इज़ इक्वल टू हम कर सकते हैं एम टोटल जो मैचिस्टिक्स है माइनस हो जाए कंप्यूटर की, जितने कंप्यूटर ने टर्न लिया, सॉरी, सो कंप्यूटर माइनस यूज़र। सो गाइस जैसा कि आपने देखा पहले मैचिस्टिक्स होंगी, मैचिस्टिक्स जो इक्वल हो जाएंगे अगर इफ़ मैचिस्टिक्स हैं वो हमारे पास शो होंगी ऊपर। सो गाइस इसके बाद हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देंगे, इफ़ अगर m इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, ब्रेक हो जाए ये वैल्यू, और ये हम चैलेंज कर रहे हैं यूज़र को कि आप एवरी टाइम लॉस द गेम, यू एवरी वाइज यूजर ऑलवेज टाइम लॉस द गेम। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम, सी आउट एक छोटा सा प्रिंट करा देते हैं इधर के कंप्यूटर विंस द गेम। सो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा है कि कंप्यूटर जो है एवरी टाइम लॉस द गेम करेगा। सो गाइस अब हम रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जो है अटैम्प्ट भी हो रहा है कि नहीं, वेस्ट तो नहीं हो रही हमारे प्रोग्राम। सो प्लीज़ चेक इट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन हम करते हैं, इसे हम करते हैं गेम के नाम से एक सेव कर लिया। सो गाइस चेक करते हैं 21, सॉरी गाइस सॉरी, इधर हम कॉमन है, सो आप चेक इट, कॉमन मिस्टेक्स एवरी पर्सन वांट टू अटेम्प्ट। सो गाइस चेक करते हैं अब हम कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या शो कर रहा है हमें और वो क्या नहीं शो। सो गाइस जैसा कि आपने देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है डू नॉट एंटर इनवैलिड नंबर। अब यूज़र का पता चल गया कि वो इनवैलिड नंबर अटैम्प्ट नहीं कर सकता, नंबर अबाव 4 आर इनवैलिड है, सही है, गुड चॉइस, कंप्यूटर ऑलवेज विंस नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है कंप्यूटर ऑलवेज विंस होगा। योर टर्न पिक अप द मैचिस्टिक्स, पिक अप द मैचिस्टिक अगर हम यूज़र जो है 3 अटैम्प्ट कर रहा है और कंप्यूटर टर्न ना हुआ, कंप्यूटर ने चूज़ कर ली 20, कंप्यूटर चूज दे मैचिस्टिक्स 21, हाउ इज़ पॉसिबल। सो प्लीज़ चेक इट, हमारे थोड़ा सा प्रोग्राम में चाहिए, आई थिंक वो मिस्टेक होगी कंप्यूटर में, चलो देखते हैं हम। ओ नो नो नो, कंप्यूटर चूज द, इधर आएगा कंप्यूटर जब चूज द मैचिस्टिक करेगा तो इधर कंप्यूटर आएगा ना, कंप्यूटर में हमने वैल्यू स्टोर करी, सॉरी गाइस। सो प्लीज़ चेक इट अब नाउ, सो कंप्यूटर का जो हमने मैचिस्टिक से बनाया है तो उसका जो टर्न है वो ये, अगर यूज़र जो है 2 एंटर कर रहा है, यूज़र 2, कंप्यूटर टर्न कंप्यूटर चूज द मैचिस्टिक 3, 2 3 5 हो गए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इज़
अवेलेबल। सो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स अवेलेबल राइट नाउ 16 हमारे पास रह गई हैं जो मैचिस्टिक्स हैं उसने हमें बता दिया। सो पिकअप द मैचिस्टिक अगर यूज़र 4 कर रहा है मैचिस्टिक कंप्यूटर ने 1 चूज़ की कम्बिनेशन ऑफ 5 मुकम्मल। अगर यूज़र जो है 1 कर रहा है कंप्यूटर 5, अगर यूज़र 2 है तो अगर यूज़र ने 2 अटैम्प्ट की कंप्यूटर टर्न, कंप्यूटर ने 3 की और कंप्यूटर विंस द गेम। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो को तक लेटेस्ट जियो वीडियो आए तो आप उससे हमारे वायर हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे। थैंक्स अलो।